दोस्तों आज तारीख है 1 मई 2021 दिन शनिवार, और हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ फाइनली मार्केट में जारी किया जा चुका है। टोटल 24 पेजेस का ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है दोस्तों, जिसके शुरुआत के कुछ पेजेस एडिटोरियल पेजेस हैं हमेशा की तरह। जो सबसे पहली जॉब नोटिफिकेशन, जो कि थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन कही जा सकती है, वो आती है पेज नंबर 5 से। मैं इस वक्त आपको पेज नंबर 5 पर लिए चलता हूँ। ये रहा पेज नंबर 5, और यहाँ पर ये रही लेफ्ट साइड में आपके नोटिफिकेशन, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़ की तरफ से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है, जहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं। अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, BCA इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी सिविल, BSc इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BE, BTech, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है बेंगलुरु। मैक्सिमम 28 साल यहाँ पर एज लिमिट दोस्तों रखी गई है। 54,000 रुपये इनिशियली सैलरी ऑफर की जा रही है। 21 मई 2021 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। www.nal.res.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आती है पेज नंबर 6 से। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है। मैनेजर्स, डिप्टी मैनेजर्स, डेटा एनालिस्ट और फार्मिस्ट की वैकेंसी इसके लिए। MBA, PGD MBA, CA और बी फार्मा के कैंडिडेट्स यहाँ पर एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए। टोटल 135 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। मैक्सिमम 27 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 18,000 से लेकर के 63,000 रुपये तक यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। अलाउंसेस अलग से होंगे। 3 मई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आती है दोस्तों पेज नंबर 7 से। मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाऊं तो HSCC इंडिया लिमिटेड, यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन है इंजीनियरिंग ऑफिशियल्स के लिए। यहाँ पर वैकेंसीज जारी की गई हैं। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से, साथ ही आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, तो आप एलिजिबल होंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। 1 साल से लेकर के 7 साल तक के एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है। टोटल 13 वैकेंसीज यहाँ पर हैं दोस्तों, और नोएडा उत्तर प्रदेश यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। मैक्सिमम 24 साल से लेकर के 32 साल तक यहाँ पर एज लिमिट दी जा रही है। हालांकि कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशंस यहाँ पर दी जाएंगी। 30,000 से लेकर के 50,000 रुपये मंथली इनिशियली सैलरी दी जा रही है। 17 मई 2021 तक ऑफलाइन माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो भी पेज नंबर 7 से ही आ रही है। कंटेनमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। अभी मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अब आप राइट साइड में देख सकते हैं, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर RMO के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। MBBS कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। ऑल इंडिया यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। मैक्सिमम 35 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, और 65,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पर इनिशियली सैलरी दी जा रही है। 25 मई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन में थोड़ा सा गैप आ जाता है दोस्तों, क्योंकि बीच में जो भी ये वैकेंसीज़ हैं ये सब डेपुटेशन बेस्ड वैकेंसीज़ हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। टोटल 16th पेज पर जाना पड़ेगा आपको। ये 11वां पेज है। 16वें पेज पर आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती है, जो कि नॉर्मल कैंडिडेट्स जिनको थोड़ा बहुत कम एक्सपीरियंस भी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम पेज नंबर 13 पर हैं। ये 14 पेज नंबर आ गया, 15, और अब आएगा पेज नंबर 16। ये देखिए पेज नंबर 16 आ चुका है। यहाँ पर सदर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज जारी की गई हैं। मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए राइट साइड में आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। MTS टेक्निकल के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। ITI कैंडिडेट्स, अगर ट्रैक्टर मैकेनिक से आपने ITI की हुई है, या फिर फार्म मैकेनिक से आपने ITI की हुई है, या फिर आपने डीजल मैकेनिक से ITI की हुई है, साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। 1 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन है दोस्तों। और अनंतपुरा
अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। मैक्सिमम 28 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 18,000 से लेकर के 56,000 रुपये की सैलरी दी जा रही है। 10 जून 2021 तक ऑफलाइन माध्यम से आपकी एप्लीकेशन के बाई पोस्ट पहुँचने की लास्ट डेट रखी गई है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 17 से आती है और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज ये आप देख सकते हैं, राइट साइड में नोटिफिकेशन है DSSC की तरफ से। यहाँ पर स्टेनोग्राफर्स, LDC, सिविलियन मोटर ड्राइवर, MTS, कारपेंटर, ये एक इस अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी नोटिफिकेशन है। टोटल 83 वैकेंसीज हैं जिसके लिए 10th पास कैंडिडेट से लेकर के ITI कैंडिडेट, डिप्लोमा कैंडिडेट और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तमिलनाडु यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। 18 से 27 साल और 18 से 25 साल दो डिफरेंट एज लिमिट्स यहाँ पर रखी गई हैं। 25,500 से 81,100 रुपये तक की यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। हालांकि कुछ केसेस में 19,900 से 63,200 का भी पे स्केल दिया जा रहा है। 21 मई 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट है DSSC.gov.in। इसके अलावा बाकी सभी वैकेंसीज दोस्तों डेपुटेशन बेस्ड या फिर हाईली एक्सपीरियंस डिमांडिंग वैकेंसीज हैं या फिर वो ऐसे किसी डिपार्टमेंटल वैकेंसी से रिलेटेड हैं जहां पर नॉर्मल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बाकी फिर इसके बाद पेज नंबर 18 से एडिटोरियल पेजेस वापस आ जाते हैं और उसके बाद कोई भी जॉब नोटिफिकेशन इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक छोटा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है ये, बहुत बड़ी और बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर नहीं दी गई हैं, बट कुछ एक जो इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशंस दी गई थी वो हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों, जिस भी प्रकार के लिंक्स को आप सर्च कर रहे हैं वो सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे किसी नई जॉब नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, धन्यवाद।